सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विकास संघ के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी अरुण वर्मा को किया समर्थन, पत्रकार वार्ता में दी गई जानकारी। सुल्तानपुर लम्बू में पीएलबी श्रद्धांजलि के राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। सुल्तानपुर लम्बू आचलपुर में सांघिक परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर लम्बू में आबकारी निरीक्षक सुभाष सिंह द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध लगातार दी जा रही है दबिश। सुल्तानपुर बल्दीराय धन प्रकरण में चार और बल्दीराय दो व्यक्तियों को जिला बदर की गई कार्रवाई, पुलिस ने किया नोटिस चस्पा। सुल्तानपुर जयसिंहपुर कटका खानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को एक जनसभा को करेंगे संबोधित, तैयारी में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। सुल्तानपुर बल्दीराय सोली विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह के बसपा प्रत्याशी के लिए किया प्रचार प्रसार जोरों अभियान पर। सुल्तानपुर काजीपुर लोगों की बढ़ती परेशानियों की वजह से भाजपा की गलत नीतियां हैं, सपा प्रत्याशी भगेलू राम ने कहा। सुल्तानपुर जयसिंहपुर क्षेत्र अधिकारी कृष्णकांत सरोज के कानून व्यवस्था को लेकर से मरी चौकी का लिया जायजा, चौकी प्रभारी ने दिया आवश्यक निर्देश। सुल्तानपुर बल्दीराय जगदीशपुर विधानसभा में सपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई रैली, लोगों में मांगा जर समर्थन। सुल्तानपुर जयसिंहपुर फुलौना स्थित कमला प्रसाद पीजी कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव। सुल्तानपुर लम्बू प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय बदैया में दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेड किट किया गया वितरित। सुल्तानपुर बल्दीराय में पत्रकारों को द्वारा बैठक कर मतदाता जागरूकता के कारण क्षेत्रवासियों में 100% मतदान करने की अपील। सुल्तानपुर लम्बू लैया जलपापुर मार्ग के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। सुल्तानपुर कमलगढ़ में बोली सांसद मेनका संजय गांधी, विनोद सिंह की कोरोना काल में समाज सेवा कर छोड़ी अमित छाप। सुल्तानपुर सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को करेंगे 11 बजे कटका में जनसभा को संबोधित, तैयारियां हुई तेज। सुल्तानपुर वायरलेस ऑपरेटर की हत्या के मामले में दो सहयोगी पुलिसकर्मी हुए दोषी करार, 24 फरवरी 2007 को घटित हुई थी घटना। सुल्तानपुर मतदान प्रतिशत बढ़ाते हुए नेहरू युवा केंद्र के बस स्टेशन पर कठपुतली कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सुल्तानपुर भाजपा करती है सर्व समाज का हित का विकास, भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह ने कहा। सुल्तानपुर किसान सभा में प्रतिनिधि महामंत्री मुकुट सिंह ने कहा कि 5 किलो अनाज नहीं है, रोजगार चाहिए हमें। सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में स्वीप संगला के अंतर्गत मतदान प्रतिशत को बढ़ाते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सुल्तानपुर एसपी के निर्देश पर जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ शांति भंग में की कार्रवाई, एसपी विपिन मिश्रा ने दी जानकारी। सुल्तानपुर जयसिंहपुर सकुशल से मतदान संपन्न कराने के लिए रामबरन पीजी कॉलेज में विभारपुर के अर्थसैनिक बाल को होगा ठहराव, सभी तैयारियां हुई तेज।